के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो ये थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कह रहे थे देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। नारे बोलने के लिए भी लोग बदलने पड़ रहे हैं। मैं अकेला घंटे भर से बोल रहा हूँ, रुका नहीं, उनके अंदर हौसला नहीं है, वो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे, निचले नरेंद्र मोदी पूरे राव में, तारीख 9 फरवरी 2023, मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का। जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो खुद अपना सीना ठोक रहे थे, आपने देखा। उन्होंने विरोधियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने अपने राज्यों में जाकर समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं, पड़ोसी देशों के हालात देख लें, अनाप शनाप कर्जे लेकर क्या हाल हो गया है। दरअसल उस समय उनका इशारा छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ था, जहां किसकी सरकार है, कांग्रेस की। हुआ क्या था, वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा हुई थी और मोदी शायद पंजाब की तरफ भी इशारा कर रहे थे, जहां आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और वहां तो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स शुरू कर दी अरविंद केजरीवाल ने, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, ऐसे वादों पर चुनाव जीत लिया। हिमाचल भी भाजपा के हाथ से गया। तो मोदी जिस ताव से सीना ठोक रहे थे उसका असर हुआ नहीं। जब कर्नाटक के नतीजे आए तो दक्षिण के द्वार से भाजपा साफ हो गई, बना बनाया रास्ता ब्लॉक हो गया दक्षिण की तरफ जाने का। तब से अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति 360 डिग्री घूम चुकी है। अब नरेंद्र मोदी खुद बता रहे हैं कि एक अकेला चुनाव नहीं जीता सकता, यानी ब्रांड मोदी अब उतना कारगर नहीं रहा। इकोनॉमी के लिहाज से वोकल फॉर लोकल का नारा देने के बाद अब पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के लिए फोकस ऑन लोकल का नारा दिया है। अभी हाल ही में दो मौके थे, एक दमन में पंचायत प्रमुखों से बातचीत कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और एक तब जब एनडीए के सांसदों से अभी मिले हाल ही में। यही मूल मंत्र दिया कि जाइए लोकल मुद्दों को उठाइए। राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दे तो हैं, ये सहायता करेंगे, चुनाव जितवाने की गारंटी नहीं है। ये भाजपा समझ चुकी है और ये बहुत बड़ा बदलाव है पिछले 9 साल की मोदी की पॉलिटिक्स में। अब हम ये कहें कि मोदी की चमक फीकी हुई है या नहीं, जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर है कि 2014 की जीत के बाद मोदी एक ब्रांड बन गए। इलेक्शन जीतने के लिए पूरी पार्टी लीडरशिप और कार्यकर्ता ब्रांड मोदी पर डिपेंड हो गया। मोदी मोदी के गगनभेदी नारों उसकी तस्दीक करते थे हर जगह। फिर क्या, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या हैदराबाद का निकाय चुनाव, शहरी निकाय चुनाव, हर चुनाव भाजपा मोदी के चेहरे पर लड़ने उतरी। शुरुआत ठीक रही, नतीजे अच्छे आए, लेकिन जल्दी ही मोदी मैजिक उतर गया। स्थानीय चुनाव ब्रांड मोदी के सहारे जीतना मुश्किल है, अब पार्टी और मोदी खुद ये समझ चुके हैं। ब्रांड मोदी ईमानदारी का पर्याय हो सकता है, नो डाउट, जैसी उनकी कार्यशैली है, जैसा उनका शासन है, लेकिन लोकल लेवल पर भाजपा के भ्रष्टाचार को वो ढक नहीं सकता। कर्नाटक में यही तो हुआ। बीएस येदुरप्पा सीएम के बदले पे सीएम ब्रांड कर दिए गए। किसने ब्रांड किया? कांग्रेस ने। फायदा हुआ? हाँ हुआ। मोदी मैजिक फेल हो गया, हनुमान जी भी नहीं चले, आपने देखा। कर्नाटक नतीजों के ठीक बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक नसीहत दी पार्टी को कि मोदी के करिश्मा और हिंदुत्व के बूते चुनाव नहीं जीत सकते, हर चुनाव नहीं जीत सकते। कर्नाटक तो मोदी के आने के बाद पहला ऐसा राज्य बना जहां भाजपा को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। ब्रांड मोदी पर निर्भरता किसका प्रयोग था ये कहना मुश्किल है। कुछ संकेत मोदी के उस भाषण से ले लीजिए जिसमें वो खुद ही कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे ना।
कौन दे सकता है, ये प्रयोग कर सकता है, आप समझ गए होंगे। लेकिन देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, कुछ बातें तो समझ में आ ही गई होंगी, ये तय है। कुछ पॉइंट्स में जरा देखिएगा, मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं ग्राफिक्स में। अब आप अमित शाह या नरेंद्र मोदी को कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते नहीं देखते होंगे। मुझे भी ये आश्चर्य हो रहा है, कई अरसा हो गया, क्योंकि कांग्रेस राज्यों में अपनी जगह बना रही है। चार राज्यों में कांग्रेस अपने बूते सत्ता में है, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है। मतलब जहां कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी, वहां 8-9 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। भाजपा 9 राज्यों में अपने बूते सत्ता में है, नो डाउट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, 6 ऐसे और राज्य हैं जहां गठबंधन में है, वो सत्ता में है। कहां कहां? महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी। अब देखिए चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देश की लगभग 30% आबादी पर कांग्रेस या उसके गठबंधन वाली सरकार का शासन है और लगभग 45% आबादी पर भाजपा या उसके सहयोगी दलों का शासन है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, दो डबल ट्विस्ट। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या हुआ था ये आपको याद होगा, दोनों बड़े राज्य हैं देश के। भाजपा ने हारने के बाद वहां सरकार बनाई, गलत किया ठीक किया ये जनता तय करेगी, फिर से चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। पांचवा पॉइंट, देश की 25% आबादी या 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न ही भाजपा का शासन है और न ही कांग्रेस का। कौन कौन से हैं? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, दिल्ली और पंजाब। लेकिन इंटरेस्टिंग यही है, ये 25% हैं, लेकिन असली खेल यही है। वो कैसे? ये खेल हुआ है नए गठबंधन से, जो अभी आकार ले रहा है और जो एनडीए को यानी बीजेपी को परेशान करके रखा हुआ। अगर हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जनादेश चुराने के आरोपों को छोड़ भी दें, तो असली खेल गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी राज्यों से शुरू होता है। पहले इस खेल को समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब से इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया, राहुल गांधी ने जो नाम दिया लोग बता रहे हैं, इसके बनने के बाद कांग्रेस और भाजपा जिसकी धुरी में है, वो अलायंस साफ साफ आपको सामने दिखाई दे रहा है 2024 से पहले। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बनी इंडिया में कौन कौन है? ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी और सीताराम येचुरी भी। 2024 के रण तक टिके रहेंगे या नहीं, इस पर मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जो इंडिया से जुड़ रहे हैं। फॉर्मेशन तो सॉलिड है, मोदी तो खुद को ही सब पर भारी बता रहे थे। ऐसे में एनडीए पर फोकस करना और 38 पार्टियों को जुटाकर फेडरल पॉलिटिक्स में क्षेत्रीय अस्मिता के सामने समर्पण करने की कोशिश क्या दिखाता है? भाजपा की रणनीति 360 डिग्री घूम चुकी है। मोदी कल्ट जो एक विकसित हो रहा था, उससे पार्टी का मोह भंग हो चुका है। कैसे भंग हो चुका है? अमृतकाल जिसको बता रहे थे नरेंद्र मोदी, अब वो नाम बदल चुका है, अब उसको कह रहे हैं कर्तव्य काल। यानी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ जब हम 2047 में मना रहे होंगे, तब तक कह रहे हैं कि हम कर्तव्य पथ पर चलें। अब राहुल गांधी की यात्रा ने भाजपा को ट्रैक बदलने पर मजबूर किया, या राज्यों में जो सिकुड़ता हुआ दायरा है भारतीय जनता पार्टी का, इसने मजबूर किया, ये पार्टी जान। लेकिन अभी तो मैसेज यही है कि हम गठबंधन धर्म निभाने में कांग्रेस से आगे हैं, ये एनडीए का कहना है, बीजेपी का। पार्टी कहती है कि देखिए हमने नीतीश कुमार को कम सीटें मिलने पर भी सीएम बनाया, अब तो एनडीए 38 दलों का दमखम है, अब उसको देखते हैं कि 38 दलों के दमखम में है क्या। इसमें से 37 पार्टियों ने 2019 में 30 से कम सीटें जीती, चौंकना अभी बाकी है। आप एनडीए में 16 दल ऐसे हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाए, मतलब 37 में 16 भाजपा को छोड़कर। यही नहीं, 9 दल ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया,
ये एनडीए के घटक दलों की सच्चाई है। उधर इंडिया के 26 दलों में डीएमके शामिल है, जो लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 24 सांसद हैं। टीएमसी शामिल है, जो चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 23 सांसद हैं। ये जो इंडिया बन रहा है एनडीए के अगेंस्ट, एनडीए तो खैर इधर चर्चा में खूब आया, नहीं तो भाजपा तो अपने बूते ही सरकार बनाने और फिर से सत्ता में आने का दंभ भर रही थी। इतना होते हुए भी 2024 का महासमर इंडिया के लिए कोई केक वॉक नहीं है। तेजी से बदली रणनीति के तहत टीम मोदी भी वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, नए साथी जोड़ने की कोशिश है। टीडीपी तो शायद अब आने ही वाली है, चंद्रबाबू नायडू वाली, तो कुनबा भाजपा भी बढ़ाएगी ये तय है। साथ ही योगी से मिली सीख ने भी बहुत छाप छोड़ी है भाजपा पर। भाजपा को एहसास हो चला है कि राज्यों में कमान वहीं के छत्रप संभाले तो ज्यादा अच्छा, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी काल में कुछ कुछ लौट रही है बीजेपी। तब आपको याद होगा कल्याण सिंह, वसुंधरा राजे, बी एस येदुरप्पा, अनंत कुमार, मदन लाल खुराना, कैलाशपति मिश्र जैसे छत्रप थे, जो अपने अपने राज्यों में बिल्कुल आज़ादी से काम करते थे। उसी मोड में वापस लौटने की कोशिश हो रही है। एक बानगी दे देता हूं, मध्य प्रदेश चुनाव अभियान की कमान नरेंद्र तोमर को दी गई है। एमपी में 28 सीटिंग विधायकों को दोबारा मौका दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ की पहली सूची में 11 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, और ये सब एकदम लोकल लेवल पर फीडबैक के आधार पर हुआ, ऐसा कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक। भूपेश बघेल से लड़ने के लिए भाजपा ने दुर्ग के सांसद विजय बघेल को उतार दिया, चाचा भतीजे की लड़ाई हो गई। भोपाल और रायपुर से जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक चुनाव की तैयारी का जो कमान है वो दिल्ली वाले संभाल रहे हैं, लेकिन लोकल वाले ज़्यादा वोकल हैं, इसलिए 2024 का सेमीफाइनल बहुत दिलचस्प होने वाला है। बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ, आपसे मिलेंगे बुधवार को, तब तक के लिए नमस्कार।